हैं जी टीवी न्यूज। उमरिया जिले में ईद का पर्व कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए आपसी भाईचारे के साथ शांतिपूर्ण तरीके से मनाया गया, जहां जिला मुख्यालय स्थित ईदगाह में नियमों का पालन करते हुए 5 लोगों की मौजूदगी में मुस्लिम भाइयों ने अमन चैन के साथ जामा मस्जिद के इमाम मौलाना असीरुद्दीन की इमामत में नमाज अदा की गई एवं नमाज अदायगी के बाद इमाम असीरुद्दीन ने खुदा से सभी को अमन चैन से रहने एवं मुल्क के लोगों को कोरोना जैसे महामारी से महफूज रखने के लिए खुदा से दुआएं की गई। वही कोविड नियमों को ध्यान में रखते हुए मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपने अपने घरों में रहकर ही ईद की नमाज अदा की गई एवं दुर्भाग के माध्यम से सभी लोगों को ईद के पर्व पर अपनी ओर से शुभकामनाएं देते हुए स्वस्थ रहने की कामना की गई। वही कोरोना लॉकडाउन के दौरान ईद पर्व पर कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में चप्पे चप्पे पर पुलिस और कोरोना वायरस तैनात रहे एवं बगैर कारण के घरों से निकलने वालों पर प्रशासन के द्वारा चलानी कार्रवाई करते हुए अन्य सभी लोगों को समझाइश दी गई एवं प्रशासन द्वारा सभी से अपील की गई है कि कोविड के नियमों का पालन करते हुए आवश्यक पड़ने पर ही मास्क लगाकर घरों से निकले एवं सैनिटाइज करते हुए सोशल डिस्टेंस का पालन करें, जिससे कोरोना जैसे महामारी से बचा जा सके एवं खुद भी सुरक्षित रहें एवं दूसरों को भी सुरक्षित रखें। पेश उमरिया से शंकर सिंह चंदेल की खास रिपोर्ट। जी, सबसे पहले तो मैं ईद उल फितर की सब जगह पूरे भारतवासियों को और उमरिया शहर वासियों को और मुस्लिम समाज के लोगों को ईद की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं, मुबारकबाद देता हूँ। चूँकि इस साल कोरोना वायरस कोविड-19 के चलते ईद की नमाज सामूहिक रूप से जैसे कि आइंदा सालों में होती रही है, इस साल नहीं हो पाई है और इसका पालन करते हुए, प्रशासन के नियमों का पालन करते हुए हम लोग कोरोना गाइडलाइंस के तहत सभी मुस्लिम समाज के लोग अपने अपने घर में परिवार के साथ जैसे कि रमजान शरीफ में सब लोग अपने अपने घरों में नमाज और इबादत की है, उसी तरीके से आज भी सब लोग अपने परिवार के साथ ईद की नमाज घर में पढ़कर और अपने भगवान से और अल्लाह से यही दुआ किए हैं कि जल्द से जल्द इस कोरोना वायरस बीमारी हमारे मुल्क से ख़त्म हो जाए और हम सब और हमारा देश जल्द से जल्द इस बीमारी से महफूज हो जाए, देश में अमन चैन, खुशहाली और तरक्की हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें ये ईद सईद का दिन अता फरमाया। मैं इस मुबारक मौके पर अपने मुल्क के तमाम बाशिंदों को ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ और इस बार ईद की नमाज अल्हम्दुलिल्लाह हमने प्रशासन की गाइडलाइन के मुताबिक ही अदा की है। 5 लोगों ने नमाज ईद अदा की है। हम चाहते हैं कि कानून को हाथ में ना लिया जाए, किसी भी तरह से कानून का सहयोग किया जाए और इस बीमारी से सब मिलकर लड़ें कोरोना वायरस से। और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला कोरोना वायरस से हमारे मुल्क को निजात अता फरमाए, कोरोना वायरस से अल्लाह ताला हमारे मुल्क को आज़ादी अता फरमाए। अस्सलाम, धन्यवाद। जैसा कि आप जानते हैं कि ये कोरोना काल चल रहा है, इस दौरान हर तरह की गतिविधियों पर जो है शासन की नज़र भी थी और गाइडलाइन भी इसमें जिला प्रशासन ने और सरकार की ओर से लागू की गई थी। तो इसी कड़ी में ईद के दौरान भी जो शासन की गाइडलाइन थी तो उसी के तहत 5 लोगों द्वारा ईदगाह में नमाज अदा की गई है। बाकी सारे लोगों ने अपने अपने घरों में अलग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नमाज अदा की है और अपने देश, अपने मुल्क की तरक्की के लिए और इस बीमारी से हिफाजत के लिए सब लोगों ने दुआ की। सभी लोगों का निवेदन है कि हर व्यक्ति इस कोविड काल के दौरान व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार है कि किसी प्रकार की सुरक्षा में चूक नहीं होनी चाहिए। हर व्यक्ति जो है सुरक्षा नियमों का पालन करे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे, मास्क का उपयोग करे और अत्यधिक आवश्यक होने पर ही घरों में से बाहर निकले, अन्यथा वह घर में रह करके और सरकार के नियमों जो बनाए हुए हैं उनका पता। मेरी ओर से भी पूरे देशवासियों को ईद उल फितर की तहे दिल से मुबारकबाद। और जैसे कि आप देख रहे हैं देश के हालात जो हैं इस वक्त सही नहीं है, तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने जितनी भी हमारी कम्युनिटी है उसमें शासन की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए ईदगाह में सिर्फ 5 लोगों ने नमाज़ पढ़ी और बाकी लोगों ने अपने घर में अपने अपने तरीके से इबादत करी है। और हम सभी ने अल्लाह से ये दुआ करी है कि अल्लाह हमारे देश से, पूरी दुनिया से, इस जो कोविड-19 में जो वबा फैली हुई है, अल्लाह से हमारी गुजारिश है, अल्लाह से हम इल्तिजा करते हैं कि अल्लाह हमारे पूरे देश को, हमारी पूरी दुनिया को इस वबा से महफूज रख और जितने भी लोग इस परेशानी में मुब्तला हैं अल्लाह तो उनकी मदद फरमा और उनको। जी हाँ, आज ईद है और मैं तो बड़ा असमंजस में हूँ
कि शुड वी क्राई और सेलिब्रेट, इस ईद को हम सेलिब्रेट करें, खुशी मनाएं, या जो वर्तमान परिस्थिति है COVID-19 पेंडेमिक का, उस पर हम रोएं। तो हम लोगों ने प्रोटोकॉल, गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल के हिसाब से बहुत ही सादगी से घरों में ईद की नमाज अदा की और प्रशासन के आदेश के मुताबिक 5 लोग ईदगाह में नमाज अदा किए, प्रोटोकॉल का पालन हुआ और बहुत ही सादगी से हम लोगों ने नमाज अदा की। और नमाज अदा करने के बाद हम लोगों ने ये दुआ भी मांगी कि मालिक जो ऊपर वाला है वो हम सब लोगों की गलतियों को, अपने संतान की, अपने बंदों की गलतियों को माफ करे और इस कोरोना महामारी से हमें निजात दे। हम लोगों ने अपनों को खोया है, देशवासियों ने अपनों को खोया है, पूरी दुनिया के लोगों ने अपने लोगों को इस महामारी में खोया है। तो इसलिए हम ईद की बधाई भी देने में बड़ा हमें असमंजस हो रहा है कि एक तरफ शमशानों में, कब्रिस्तानों में लाइन लगी हुई है, भीड़ लगी हुई है लोगों को के दाह संस्कार में और दफनाने के लिए। तो अब यही हम अपेक्षा कर सकते हैं, मालिक से यही मांगते हैं कि अब जल्दी से जल्दी हम इंसानों की गलतियों को माफ करें और इस महामारी से हमें निजात दें। इस पर्व पर सभी को घर से, घर पर रहकर उत्सव और अपना त्यौहार मनाने की सबको समझाई दी गई है। और जैसे कि कोरोना गाइडलाइन का पालन सबके द्वारा किया जा रहा है, तो अभी शांतिपूर्ण तरीके से प्रशासन को अपना खुशी समझा सकते।